एनिसोल का दोस्तों अभी इस वीडियो में हम आईपीसी नेम लिखना सीखेंगे, एनिसोल का फॉर्मूला इत्यादि भी देखेंगे। अन्य वीडियो देखने के लिए दोस्तों हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर विजिट करें और नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। बिल्कुल सिंपल है दोस्तों, आप अपना बेंजीन बना दो। बेंजीन कैसे बनेगा, इस प्रकार से सिक्स कार्बन को ड्रॉ करो, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद यहाँ डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और आपका डबल बॉन्ड, इसके ऊपर यहाँ पे जोड़ दो आपका ओ सी एच 3। देखिए आईपीसी नेम लिखने के लिए हम अपना पहला स्टेप क्या फॉलो करते हैं, बेंजीन में पेरेंट रिंग का चुनाव करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पेरेंट रिंग कौन बनेगा, बेंजीन आपका पेरेंट रिंग बनेगा। पेरेंट रिंग के साथ सब्स्टिट्यूएंट कौन जुड़ा हुआ है, ओ सी एच 3 आपका सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है, जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, आपका एल्कोक्सी कहते हैं। एल्क मतलब नंबर ऑफ कार्बन, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कितना, एक कार्बन है। देखिए जो पेरेंट रिंग है उसका नाम सबसे लास्ट में लिखा जाता है, उसके बाद हम नंबरिंग करते हैं। तो यहाँ पे देखो नंबरिंग करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक ही आपका सब्स्टिट्यूएंट है। ओके, आपका थर्ड स्टेप आता है, यहाँ पे नंबरिंग करने के बाद जो सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए हैं उनका नाम लिखना है, यानी इसका तो नाम लास्ट में लिखेंगे, इसके पहले इससे जुड़े हुए सब्स्टिट्यूएंट है ना उनका नाम लिखा जाएगा। तो यहाँ पे कौन जुड़ा हुआ है, ओ सी एच 3। एक कार्बन को क्या कहते हैं, यहाँ पे देखिए मैथ कहते हैं, ठीक है, इसके पीछे क्या जोड़ देंगे, ओ एक्स वाई मैथोक्सी, और ये आपका क्या है, बेंजीन। तो नाम क्या बन गया इसका, मैथोक्सी बेंजीन, आसान है। ठीक है, यह जो नाम है ये दोस्तों आपका इसका सिस्टमेटिक आईपीसी नाम कहलाता है, सिस्टमेटिक आईपीसी नेम। और यह भी इसका आईपीसी नेम है, इसको कहते हैं प्रेफर्ड आईपीसी नेम। देखिए कुछ जो रूट नेम है जिनको आईपीसी ने एक्सेप्ट कर रखा है उनको हम क्या कहते हैं, प्रेफर्ड आईपीसी नेम। ओके, तो इस तरह से है जो हमने अपना एनिसोल के बारे में छोटी सी उसके नाम से रिलेटेड जानकारी प्राप्त की। और इसके दोस्तों अन्य जो नाम हैं उनको मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उनके नाम, तो उन्हें है जो आप देख लेना। इस वीडियो को देखा उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद, आभार। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप नाम लिखना कुछ हद तक समझ आया है।